गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आगे सारे लोग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आगे सारे लोग, बिल्कुल। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने। कल लास्ट टॉपिक क्या किया था? कल लास्ट टॉपिक किया था एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और अपने पास एक और था डिफ्लेक्शन एंगल। बिल्कुल। और आपको होमवर्क दिया है, जाहिर सी बात है कि किसी ने भी होमवर्क नहीं किया होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर भी मैं आंसर बता ही देता हूँ, पहले का 100 और दूसरे का 20, ऐसे कुछ आंसर है, ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया। अब अपने आगे की तरफ चलते हैं, आगे डिफ्लेक्शन एंगल के बाद में अपने पास आता है नेक्स्ट कौन सा, एक न्यूमेरिकल आता है कि इंटीरियर एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करने के बाद में चेक कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, क्या क्या हो सकता है उसमें सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई प्रीवियस ईयर का सवाल उठा लेता हूँ। बिल्कुल, एक प्रीवियस ईयर का है आया हुआ, वो सवाल उठाया मैंने। लॉजिक क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है लाइन और उसके बियरिंग, फोर बियरिंग गिवन है लाइन की, लाइन और उसकी फोर बियरिंग। यहां पर दे रखा है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, मतलब क्रॉस ट्रावर्स हो गया। यहां पर 60 डिग्री, 30 मिनट, यहां पर 122 डिग्री, यहां पर 46 डिग्री, यहां पर 205, 30 एंड लास्ट 300 डिग्री, ऐसे कुछ अपने को गिवन है। और आपको यहां पर कैलकुलेट करना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है। कर लोगे कैलकुलेशन? पोज हो गया, पोज हो गया भाई, पोज हो गया। चलो ठीक, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जो गिवन क्वेश्चन है उसमें इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, तो अपने पास वो रूल नहीं लगेगा कि 180 से छोटा एंगल को अल्फा बोल दो और बीटा उससे बड़े वाले एंगल को बोल दो, वो रूल इस कन्वेंशनल क्वेश्चन में नहीं लगेगा। अब यहां पर अल्फा या बीटा है वो अपने डायग्राम बताएगा, तो डायग्राम बनाना आना जरूरी है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको डायग्राम बनाना है, बिल्कुल सही कहा। तो आप यहां पर ए पॉइंट से डायग्राम बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया डायग्राम बनाना, 60 डिग्री 30 मिनट ऐसे कुछ है, तो यहां पर कह दिया मैंने 60 डिग्री 30 मिनट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम 122 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बना दो, क्योंकि इससे आप है ना प्रॉपर वो डायग्राम तो बना नहीं पाओगे क्योंकि लेंथ नहीं है अपने पास, तो आप यहां पर ऐसे ही रफली डायग्राम बनाओगे। तीसरा 46 डिग्री, 46 डिग्री। चौथा अपने पास 205 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर अपने पास 300 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ये कुछ डायग्राम बन गया, रफली डायग्राम बन गया एक तरीके से। अब यहां पर आपको एंगल ए है, ये वाला एंगल ए 180 से कम है ना, बिल्कुल। एंगल बी है, ये भी आपको 180 से कम दिख रहा है, लेकिन एंगल सी, अलग से कलर से बना रहा हूं मैं, ये एंगल सी है, ये 180 से ज्यादा दिख रहा है। ऐसे ही एंगल डी की बात करें तो एंगल डी है वो तो काफी कम दिख रहा है, एंगल ई की बात करें तो एंगल ई 180 से कम है। अब आप इस डायग्राम से देख के बताओ मुझे कि कौन सा एंगल है वो इंटीरियर होते हुए भी 180 से ग्रेटर दिख रहा है आपको, एक डिसीजन लेना है यहां पर आपको कौन सा। बिल्कुल, एंगल सी 180 से ग्रेटर होगा, बाकी 180 से स्मॉलर वैल्यू के होंगे, ठीक है।
तो ये डिसीजन बेस पे हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एंगल के लिए दो चीज रिक्वायर है अल्फा और बीटा के लिए, एक तो बैक बियरिंग और एक फोर बियरिंग। तो बैक बियरिंग पहले ही बना के रख लेते हैं अपने, ठीक है। जैसे इसको सोल्व करते वक्त मैं बैक बियरिंग यहीं पे बना देता हूं। बैक बियरिंग 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 कितना हो जाएगा 240 डिग्री 30 मिनट। ऐसे ही 122 प्लस 180 डिग्री कितना हो गया 302 डिग्री। यहां पर 46 डिग्री का 226 डिग्री, यहां पर 205 डिग्री का कितना हो जाएगा, बफरिंग हो रहा है बार बार में, हाँ थोड़ा बफरिंग हो रहा है यहां पे दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ हाँ थोड़ा सा दिख रहा है यहां पे बफरिंग हो रहा है। रिफ्रेश करता हूं जी, रिफ्रेश करता हूं। हाँ जी 205 डिग्री, 385 डिग्री, बी से सी में क्या है 122, 122 डिग्री मिनट है क्या, नहीं है देखता हूं मिनट, 122 डिग्री 0 मिनट, यहां पर आपके माइनस 180 करूंगा तो माइनस 180 करने पर कितना हो जाएगा 25 डिग्री 30 मिनट, यहां पर माइनस 180 करूंगा तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये सारे डेटा समझ में आ गया आपके, बिल्कुल। अब मैं एक सॉल्यूशन लिख के बता रहा हूं, एंगल एट बी, मैं बी से स्टार्ट करूंगा तो बी से आपके गलती होने के चांस कम रहेंगे, ठीक है ना। ए से भी स्टार्ट कर सकता हूं लेकिन ए से आपको समझने में उतना ज्यादा आसानी नहीं होगी जैसे बी में होगा, ठीक है ना। तो आसान चीज समझ लेते हैं क्योंकि बी एंगल को मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले से, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए बैक बियरिंग ऑफ बी से पहले, बी से पहली लाइन जो है वो ए बी है और बी के बाद बी सी लाइन। तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन। ए बी लाइन की बियरिंग है उसको मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये मैंने मार्क कर दिया ए बी की बैक बियरिंग, फिर मैंने मार्क कर दिया बी सी लाइन की फोर बियरिंग। तो दिस माइनस दिस है वो एंगल बी होगा। क्या आपको यह चीज समझ में आ गई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल। तो आपको यह चीज समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बढ़िया है, आगे तो अपने आसान है बिल्कुल। तो मैंने लिख दिया 240 डिग्री 30 मिनट में माइनस कर दिया 122 डिग्री, हाँ। तो अपने जो आंसर आया है वो आप कैलकुलेट कर लें, हाँ बिल्कुल 180 डिग्री 30 मिनट, 240 माइनस 122, 118 डिग्री 30 मिनट कितना आया आपका, हाँ ठीक है। यही तो कोई दिक्कत नहीं, मोड में दोनों कर सकते हैं, कर सकते हैं 118 डिग्री 30 मिनट, मोड लगाया तो दोनों कर सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ज्यादा प्रैक्टिकल ना करें, बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलें, तो ये आपके पास एंगल सी हो जाएगा, दिस माइनस दिस एंगल डी हो जाएगा, दिस माइनस दिस एंगल ई हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट है वो जाके अपने पास क्या हो जाएगा, बचा हुआ एंगल ए, ठीक है ना, बिल्कुल। कैलकुलेटर जरूरी है, आप लोग गलत बता देते हो, पांच लोग पांच आंसर बताते हो। नेक्स्ट सी, एंगल सी के लिए हम क्या करेंगे, एंगल सी के लिए करेंगे 302 डिग्री माइनस 46 डिग्री कितना हो गया जी, करो कैलकुलेशन। नेक्स्ट एंगल डी के लिए
करते हैं 226 माइनस 205 डिग्री 30 मिनट हो गया, और एक एंगल ई, एंगल ई के लिए अपने पास हो गया 25 डिग्री 30 मिनट माइनस 300 डिग्री। आंसर बताते जाएं भाई, कैलकुलेट मेरे को करने पड़ेंगे नहीं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो रहा है 256, कौन सा दूसरे वाला क्या? ठीक है ठीक है, माइनस 46, 256 यहां पर अपने पास 226 माइनस 205 डिग्री 30 मिनट, 20 डिग्री 30 मिनट, इधर की तरफ 25 डिग्री 30 मिनट माइनस 300, 274 डिग्री, यहां पे लिख दिया मैंने 274 डिग्री 30 मिनट। क्रॉस चेक कर लेना जी, बिल्कुल क्रॉस चेक कर लिया। ठीक, एक और बच गया एंगल ए, लिख देता हूं यहीं कहीं, एंगल ए मैंने लिख दिया, एंगल ए बचा हुआ 120 और ये 60, ये बच गया 120 माइनस 60 डिग्री 30 मिनट, और ये अपने पास आ गया 59 डिग्री 30 मिनट। फिर पॉज हो गया, आज पॉज क्यों हो रहा है भाई? हाँ ठीक चल रहा है भाई, अरे जाम वाम कोई नहीं हो गया अभी, ओके है ना? ठीक है, कल वाले क्वेश्चन करवाएं, बिल्कुल धर्मेंद्र कल वाले क्वेश्चन जरूर करवा देंगे आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो यहां पर स्टार्ट देखते हैं। अब इसको एंगल को वेरीफाई करना होगा, ऐसे ही लिखेंगे बाकी जगह, बैक बियरिंग ऑफ बीसी माइनस फोर बियरिंग ऑफ सीडी, इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो मैंने एक लिख दिया, बाकी आप लिख लेना, ठीक है ना? नेक्स्ट, अब यहां पर मैं वेरीफाई करूंगा। अब दूसरा होता है वेरीफाई करने का तरीका, कैसे वेरीफाई करेंगे? हमने देखा कोई भी एंगल डायग्राम के अकॉर्डिंग सी एंगल के अलावा कोई भी एंगल 180 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है ना? तो पहले सी एंगल को देख लेते हैं, सी एंगल 180 से ग्रेटर है, डायग्राम भी ठीक कह रहा है, यह भी ठीक है। दूसरा, एक बी एंगल, इस सी एंगल के अलावा कोई सा भी एंगल है ना, वो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यह बड़ा नहीं, ठीक है, यह ठीक है, ए भी ठीक है। लेकिन यहां पर है वो एक्सटीरियर एंगल आ गया, हमें पता कैसे चला डायग्राम से कि ई एंगल है, ई एंगल 180 से कम होगा, डायग्राम से दिख रहा है, देखो यहां पर 180 से कम है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये गलती से बीटा आ गया, और हम इसको वापस भेज देंगे, कह देंगे अल्फा को बुलावा देते हैं, अल्फा के लिए 360 माइनस 274 डिग्री 30 मिनट, ये आ जाएगा कितना आ रहा है 85 डिग्री 30 मिनट। अब कहेंगे ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल हो पाया जब अपने डायग्राम बने, बिना डायग्राम के ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर डायग्राम यहां पे नहीं होता ना, तो आप गलती क्या करते? आप गलती करते, एंगल सी को भी चेंज कर देते, बोलते कि ये बीटा है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको चेक करना है, चेक, और चेक सीधा सा आपने को पता है
अल्फा के लिए अपने चेक सीधा सा पता है, समीशन ऑफ अल्फा शुड नॉट बी ग्रेटर देन या शुड बी इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। एन कितना है, एन तो 5 लाइन है या एंगल कह दो 5 एंगल है, तो 5 इंटू 2 10-4 6 इंटू 90 540। चेक करो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, ऐड करो भाई जोड़ो सबको, आ रहा है क्या 540 आ रहा है? बिल्कुल। अब वीडियो ठीक चल रही है जी, तो 540 ठीक आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, जिसको नोट करना है नोट कर लें। एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट आ रहा है, तो एग्जैक्ट आ रहा है तो 540 अपने आ गया, तो हम कह देंगे ठीक है भी ओके है आ गया, तो यही तो चाहिए था हमें, ये आ गया 540। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि यहां तो एग्जैक्ट आ गया, अब एग्जैक्ट 540 नहीं आता है तब क्या करेंगे, जल्दी से नोट करो नोट करने वाले, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं। अपने सेकंड केस लेंगे जब 540 इक्वल नहीं आएगा, पोज हो गया क्या, पोज हो गया भाई, ओके। अब n क्या चीज है, जहां पर n है या तो नंबर ऑफ एंगल या नंबर ऑफ लाइंस, n ये है, समझ में आ गया n क्या है? बिल्कुल, कल बताया था यही फॉर्मूला, सवाल पूछ लूं कल वाले से। अब पोज हो गया वापिस से क्या? हाँ, तो सवाल पूछ लेता हूं, चलो सवाल मेरे को बताओ, क्वेश्चन बता दोगे, रेडी हो ना? ठीक है, वर्बली सवाल है, सीधा सा आंसर करना है आपको। एक ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का टोटल क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर ए ट्राइंगल, अरे क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल की कैलकुलेशन की थी वो करनी थी। अच्छा यहां पे ऐसे लिखना था क्या मेरे को? लो जी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ये तो और भी बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर लक्की का आंसर है और सौरभ का आंसर है, ये तो ठीक है, ये स्पाइरल कौन है भाई, तो ठीक है भाई, इनके आंसर 900 डिग्री ठीक है, फिर बफर हो गया, रिफ्रेश कर देते हैं जी। चलो रिफ्रेश कर दिया, अरे भाई 900 डिग्री होता है,
कल बताया नहीं था क्या? क्या होता है बीटा का टोटल? 2n प्लस 4 इंटू 90 होता है। n यहां पर कितने हो गए? n 3 हो गए ट्राइंगल के लिए। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 और 900 हो गया। ये आसान सा क्वेश्चन पूछा, पढ़ के आते नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ले डूबेंगे आपको। नेक्स्ट पे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बफरिंग हो रहा है। हाँ आज तो बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है। क्वेश्चन कराए कल वाले? अरे भाई आपने किया है नहीं किया क्वेश्चन, पहले बताओ मुझे। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। पूछता हूं अगर कोई दिक्कत है तो, एक मिनट। बदमाश लोगों, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जी। अभी आपके लिए फिर दूसरा सवाल हाजिर है। अब जो आपको दूसरा सवाल दे रहा हूं उसके अंदर इंटीरियर एंगल का टोटल 2n माइनस 4 इंटू 90 नहीं आएगा, ऐसा सवाल है। ठीक है, कल का दूसरा वाला। कल का दूसरा वाला चलो करवा देते हैं अभी। ये क्वेश्चन लिख देता हूं, बाकी लोग करना स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट। क्या भाई दो कलर कैसे आ रहे हैं? कैलकुलेट द ऑल इंटीरियर एंगल। लाइन दे रखी है यहां पर और उनकी फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग दे रखी है। लिख देता हूं, लाइन दे रखी है ए बी 195 डिग्री 30 मिनट 17 डिग्री। नेक्स्ट लाइन 73 डिग्री 30 मिनट और यहां पर 250 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट दे रखा है 36 डिग्री 15 मिनट 214 30। नेक्स्ट दे रखा है 266 डिग्री 45 मिनट 84 डिग्री 45 मिनट 234 डिग्री 15 मिनट और 57 डिग्री 0 मिनट। नेक्स्ट लाइन सी डी डी ई और ई ए। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन दिखाओ भाई क्या है, अभी देखते हैं कल वाला क्वेश्चन कहां पर क्या डाउट आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन किया ही नहीं वो अलग बात है, आप लोगों ने थोड़ा सा तो ट्राई किया करो यारो। देखता हूं कौन सा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन कल वाला ऐसे था, इसका डायग्राम बनाओ बाकी लोग जो दूसरा क्वेश्चन जिसको आता है। क्वेश्चन ऐसे था कि ए बी अपने पास है साउथ 45 डिग्री ईस्ट,
सीबी अपने पास है जी नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट, और डेल एंगल अपने को कैलकुलेट करना है, तो हम पहले अल्फा एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा सवाल उन लोगों को दिक्कत आई है जब अल्फा बीटा कैलकुलेट करते वक्त सेम टू सेम यही सवाल दिया था, ठीक है ना, वहां पर जिन लोगों को समझ में नहीं आया वहां पर। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी और बी सी फॉर्मेट में इसको कर लेते हैं। पहले ए बी तो सेम रहेगा, ठीक है, साउथ 45 ईस्ट, बी सी सी बी का बी सी बना देते हैं, इसका रिवर्ट करेंगे तो नॉर्थ है वो क्या हो जाएगा साउथ, और ईस्ट है वो क्या हो जाएगा जी वेस्ट, और ये 25 डिग्री है जी। अब डायग्राम बनाएंगे आंसर आ जाएगा, डायग्राम बनाओ जी। लो साहब डायग्राम बना दिया मैंने, साउथ ईस्ट 45 डिग्री, ये मैंने बना दिया साउथ ईस्ट 45 डिग्री ए से बी, ये वाला। दूसरा मैंने बना दिया साउथ वेस्ट, यही है क्या, एक मिनट सवाल देख लेता हूं। अच्छा वेस्ट है क्या, बिल्कुल ये वेस्ट है भाई सवाल में, तो ये क्या हो जाएगा ईस्ट। हाँ इंक खराब होगी। बी से नेक्स्ट देखते हैं, बी से यहां पर आपके एंगल आ रहा है कौन सा, बी से सी साउथ 25 डिग्री ईस्ट, ये अपने पास 25 डिग्री आ गया, सोल्व कर लो, ये हो जाएगा सोल्व। देखो सोल्व करता हूं, ये 45 है तो ये भी आपके 45 ही बच गया, इधर भी आपके 45 ही बच गया, 45 90 और 25 अल्फा आ गया, 45 प्लस 90 प्लस 25 कितना आ गया, ये अपने पास अल्फा आ गया, कितना आ गया भाई। अब डेल अपने को चाहिए, तो अल्फा प्लस डेल 180 होता है, और अपने पास डेल की जरूरत है, तो डेल आ गया 180 माइनस अल्फा जो यहां पर आ गया, कितना हुआ 160 हुआ क्या, ये जी 160 हो गया, यहां पर 180 माइनस 160 आंसर आ गया 20। बताइए कल वाले क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, अब लगे आ तो वो भी क्वेश्चन करवा ही देता हूं भाई, कल वाला फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई लगाता नहीं है, ए बी नॉर्थ से ईस्ट, ये नॉर्थ से ईस्ट ए बी 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हो गया भाई। फिर बी से सी, ये ए बी है, बी से सी की तरफ साउथ ईस्ट 45, ये 45 हो गया, आसान सा सवाल दे रखा है, ए बी नॉर्थ ईस्ट 35 और साउथ ईस्ट है 45, डेल पूछा है ये 35 है तो ये बचा हुआ भी 35, 35 और 45 अल्फा आ गया, 35 प्लस 45 80 हो गया, और डेल चाहिए तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 100। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं जी। हाँ जी कमलेश, भाई थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये थोड़ा बफर हो रहा है बार बार में। आगे की तरफ ये क्वेश्चन मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं, हटा दूं ये क्वेश्चन,
अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको नोट करना है वो जल्दी से नोट कर लें, मैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं जी। अब अपना क्वेश्चन आता है, अपने अकॉर्डिंग यहां पर सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना स्टार्ट करें, ए से बी 95 कुछ, ए से बी अपने फोर बीरिंग बेसिस पर बनाना है, ठीक है ना। दोनों यहां पर रीडिंग काम में लेंगे तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहां से बी बना दिया, फिर इसके बाद में 73 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया जी, 73 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा, 36 डिग्री 15 मिनट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बना दिया जी। फिर इसके बाद में 266 डिग्री कुछ, दो सौ सत्तर से कम, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। फिर इसके बाद में 234 डिग्री कुछ कौन सा क्वाड्रेंट, दो थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ गया अपने पास ए बी सी डी ई, ये आपके पास डायग्राम बन गया। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, रफली डायग्राम है जी ये, इसमें लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन का कैसे पता लगेगा, अभी मैंने करवाया नहीं है लोकल अट्रैक्शन, अभी लोकल अट्रैक्शन नहीं करवाया मैंने, नेक्स्ट टॉपिक आएगा लोकल अट्रैक्शन, पहले ये देख लो। अब यहां पर अपने पास क्या है, अब एक चीज बता देता हूं आपको, लोकल अट्रैक्शन कभी भी, लोकल अट्रैक्शन इंटीरियर एंगल को अफेक्ट नहीं करता, लोकल अट्रैक्शन टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। तो यहां पर कुछ और है जो यहां पर एंगल की रीडिंग को खराब कर रहा है, लोकल अट्रैक्शन कभी भी रीडिंग को खराब नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ चले, क्यों नहीं करता, उसका कारण लोकल अट्रैक्शन में आएगा। स्टार्ट करें अपने एंगल, अब देखो इसमें कोई भी ऐसा एंगल बताओ जो 180 से बड़ा है, जल्दी से बताओ, कोई भी 180 से बड़ा एंगल है तो मुझे बताओ कौन सा एंगल है, है कोई 180 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब जितने भी एंगल हैं इंटीरियर वो 180 से आपके स्मॉलर वैल्यू वाले हैं। तो चेक करते वक्त ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर 180 से बड़ा आता है उसको बीटा डिक्लेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करें, हाँ स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से स्टार्ट करता हूं मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से, दिस माइनस दिस एंगल बी, दिस माइनस दिस एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, और जो बचा हुआ है वो क्या गया, एंगल ए। समझ में आया आपको, ठीक है, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि अभी जस्ट प्रीवियस सवाल में यही बताया था आपको, बिल्कुल। एंगल बी को कैलकुलेट करता हूं, एंगल बी के लिए मैंने किया 17 डिग्री माइनस 73 डिग्री 30 मिनट, दिखाई दे रहा है कि ज्यादा छोटा लिख दिया, नेक्स्ट एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए 250 डिग्री 30 मिनट माइनस 36 डिग्री 15 मिनट, फिर इसके बाद में एंगल डी, एंगल डी अपने पास आ गया 214 30 डिग्री माइनस 266 45, देखते रहना कहीं भी गलती हो जाए तो। फिर इसके बाद में 84 डिग्री 45 मिनट माइनस 234 डिग्री 15 मिनट, और अपने लास्ट में एंगल ए, एंगल ए में क्या हो जाएगा 57 डिग्री 0 मिनट माइनस
195 डिग्री 30 मिनट। अब आप बताएंगे कैलकुलेशन क्या हो रही है, जल्दी बताएं। कैलकुलेशन बता रहे हो 520 डिग्री 15 मिनट। एंगल ए, कैलकुलेशन मैच करते रहना, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं साथ में। फिफ्टी सिक्स डिग्री 30 मिनट। दूसरा एंगल आ गया 214 डिग्री 15 मिनट। तीसरा एंगल आया है 52 डिग्री 15 मिनट। कैलकुलेशन चेक करते रहना जी साथ साथ में। 149.30 और लास्ट वाला 138 डिग्री 30 मिनट। क्रॉस चेक कर लिया आप लोगों ने? सवाल करें भाई, सवाल में गिवन में ऐसे दे रखा है आपको, ऐसे ही कर रहे हैं पहले वाले सवाल की तरह। नेक्स्ट। तो यहां पर अपने वो चीज आपको लोकल अट्रैक्शन में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं यहां पर। पहले तो वेरीफाई करना जरूरी है। मैंने वेरीफाई करने के लिए देखा कि ये एंगल, चारों एंगल 180 से कम है, वेरीफाई हो गए, तो ये एक्सटीरियर रह गया। अब इस एक्सटीरियर को चेक किया एंगल सी। एंगल सी है 180 से बड़ा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो यहां पर बीटा आ गया गलती से, इसको हम अल्फा बना देते हैं। तो इसको अल्फा बना देते हैं, 360 माइनस 214 डिग्री 50 मिनट बना देते हैं। 360 डिग्री माइनस 214 15 145 45, ये अपने पास इंटीरियर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, अभी तक तो सीख चल रही है, बफरिंग वफरिंग नहीं हो रही। चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे तो यहां पर अपने को होगा समीशन ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। ये अपना रूल है मैथ का, छोटा सा रूल। यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वही आ गया 540। ये अपने पास 540 आ गया। चेक करते हैं, सभी एंगल को प्लस कर देते हैं। एंगल ए प्लस, एंगल बी प्लस, एंगल सी डी एंड फाइनली एंगल ई। ऐड कर दो सारे। ऐड करने पर ये आपके कितना आ रहा है, 542 डिग्री 30 मिनट। 542 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब ये केस आपके पास आ गया इस टाइप का, जिसमें आपको 540 न आके कम ज्यादा मिल रहा है आपको, तो यहां पर एरर है। अब इस एरर में हम क्या कहेंगे, एक तो आपके थ्योरेटिकल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है, और एक मिजर्ड वैल्यू है एक तरीके से। तो मिजर्ड वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव एरर आ गया, और पॉजिटिव एरर का करेक्शन यहां पर एवरेज करेक्शन किया जाएगा सभी एंगल में बराबर तरीके से, ठीक है। एंगल ई चेक कर लें, एंगल ई 150 डिग्री। एंगल ई को मैं रीचेक करता हूं, बाकी लोग रीचेक करें। वन फोर्टी नाइन थर्टी ठीक तो है, दो बार चेक कर लिया करो भैया। नेक्स्ट, इतना टाइप किया एक बार और चेक कर लेते। अब यहां पर आपके पास एरर आया है। एरर क्या है, एरर है आपके पास
542 डिग्री 30 मिनट माइनस 540, एरर आ गया प्लस का 2 डिग्री 30 मिनट, पॉजिटिव एरर आ गया। अब इसका करेक्शन हम क्या करेंगे, नेगेटिव। मैं आगे वाले स्लाइड पे चल रहा हूं। एवरेज करेक्शन इन ईच इंटीरियर कैलकुलेशन करेंगे जी। पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एरर कितनी, 2 डिग्री 30 मिनट डिवाइड बाई नंबर ऑफ एंगल। नंबर ऑफ एंगल कितने हैं यहां पर, 5 है, तो अपने पास आ गया 0 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो यहां पर करेक्टेड इंटीरियर चेक करते हैं। करेक्टेड इंटीरियर एंगल ए से स्टार्ट करते हैं और सभी में हम एवरेज करेक्शन कर रहे हैं तो इक्वल तरीके से डिडक्ट करेंगे। एंगल की वैल्यू देख लो, यहां पर पहला है 56 30, दूसरा 145 45, तीसरा, अच्छा गलत लिख दिया क्या, तीसरा यहां पर 52 डिग्री 15 मिनट 52 डिग्री 15 मिनट, ये 145 45 है और ये अपने पास 56 30। ई एंगल है 149 30, 149 30, और एंगल ए है 138 30। सारे आ गए, सभी में माइनस कर देंगे, कितना, 0 डिग्री 30 मिनट। इसको बोलते हैं एवरेज करेक्शन। बिल्कुल आगे सारे, तो ये तो आ गया 138, ये आ गया 56, ये आ गया कितना 145 15। अब आ गया अपने पास ये 51 डिग्री 45 मिनट और ये आ गया 149 डिग्री। चेक करो यहां पर 540 आ रहा है, तो यहां पर 540 आ गया तो इक्वल हो गया। ठीक है, अब इन सवालों को क्या नाम देंगे, लोकल अट्रैक्शन नहीं, इन सवालों को पर्सनल मिस्टेक वाले सवाल है वो कहते हैं। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन से एक स्टेशन पर जो एरर रहता है वो इक्वल रहता है, तो दो लाइन के डिफरेंस। देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, मैंने कहा कि कोई पी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन 2 रीडिंग प्लस 2 डिग्री एरर दे रहा है, तो मैंने देखा पी स्टेशन आ गया ये और इस पर पी ए है, वो अपने पास है 80 डिग्री और पी बी है वो अपने पास कुछ आ रहा है 100 डिग्री। ठीक है, अब मैंने कहा कि विदाउट करेक्शन देखेंगे तो बीच का जो एंगल है वो आ गया 100 माइनस 80 20। अब अगर देखेंगे करेक्शन कर दो तो इसमें पॉजिटिव एरर है, करेक्शन कर दिया दोनों में तो दोनों में इक्वल होगा एक स्टेशन की लाइन में, तो ये 98 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा, अब भी 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लोकल अट्रैक्शन कभी भी उस इंटीरियर एंगल को अफेक्ट नहीं करता। अफेक्ट कौन करेगा, पर्सनल मिस्टेक अफेक्ट करेगा। इसको हटाता हूं, हटा दूं, ये चीज समझ गए। ठीक है, रिपीट तो किया मैंने, लोकल अट्रैक्शन में टॉपिक में दोबारा से यही बात रिपीट कर दूंगा। इसको नोट करना है, नोट करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। जल्दी से नोट करें जी,
नोटेड, यस और नो? Noted. हाँ जी बिल्कुल, बैक बीरिंग लेकर भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन बैक बीरिंग भी तो उसी स्टेशन से आता है, सेम स्टेशन से आता है, बी पॉइंट से बी ए बैक बीरिंग, बी पॉइंट से फोर बीरिंग, बी सी फोर बीरिंग, सेम पॉइंट रहता है, यही रहेगा। आगे की तरफ चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, लोकल अट्रैक्शन। हेडिंग लगाओ फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल। पहले वाले में केवल फोर बीरिंग गिवन थी तो हमने बैक बीरिंग बनाई थी। एरर को प्लस कब करेंगे भाई? एरर अपने पास, एरर को प्लस माइनस हम नहीं करेंगे, एरर तो अपने पास आता है कैलकुलेशन से। जैसे 540 होना चाहिए, 540 से ज्यादा मिल रहा है तो हम मिजर्ड वैल्यू ज्यादा कहेंगे, तो हम क्या बोले, पॉजिटिव एरर। तो एरर हमें पॉजिटिव मिला है, इसी के कारण करेक्शन उल्टा किया नेगेटिव। और इसको अगर रिवर्स देखें, यहां पर 540 से कम आता, मान लीजिए 535 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव करेक्शन हो जाता, ठीक है ना। 149 को एक बार और बता दें, कौन सा है 149? बाकी समझ में आ गया, तो इसमें क्या है, ई एंगल, ये वाला तो है ई एंगल, दिस माइनस दिस कर दिया, ठीक है, ये 149 30 आ गया। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से कंफ्यूज हो गए होंगे पुराने तरीके से, ठीक है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है, ठीक है। भाई आगे चलें, चले आगे, बिल्कुल। किसी को डाउट है, डाउट है पूछ लो भाई। हाँ आगे चलते हैं, लोकल अट्रैक्शन हेडिंग लगाइए। कोई ज्यादा फास्ट चल रहा है क्या? लोकल अट्रैक्शन, व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन? लोकल अट्रैक्शन इज ए हॉरिजेंटल डिस्टरबेंस, लोकल अट्रैक्शन इज एन हॉरिजेंटल डिस्टरबेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, या बियरिंग कह दो। लोकल अट्रैक्शन अब प्रैक्टिकली देखते हैं, अगर मैं यहां पर इंस्ट्रूमेंट लेके काम कर रहा हूं तो आसपास अगर कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहे हैं आसपास लोकल एरिया में, हो सकता है मैंने खुद ही कुछ ऐसा लोहे की चीज पहन रखी है, ब्रेसलेट है, चाबी का छल्ला कीचेन है मेरे पास, हो सकता है कोई पोल है अपने पास, हो सकता है कोई पाइपलाइन जमीन में गड़ी है, हो सकता है हम रेलवे लाइन के पास खड़े हैं, तो बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं अपने आसपास, तो उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा अफेक्ट हो जाएगा, जिससे बियरिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टरबेंस आ जाएगा, क्योंकि उसका मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके कारण बियरिंग में भी दिक्कत आ जाएगा। तो बियरिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंगल ही तो होता है, तो मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टरबेंस इन मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। आ गया समझ में, हॉरिजॉन्टल डिस्टरबेंस इन मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब लोकल मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करे, मतलब चुंबक को आपके अफेक्ट करे, लोहे की चीज हो गया, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जैसे ऊपर से बिजली के वायर जा रहे हैं अपने 11,000 वोल्टेज वाली हाई वोल्टेज लाइन जा रही है, वो भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है।
डेफिनेशन समझ में आ गया? हाँ, रेलवे ट्रैक के पास, बिल्कुल। तो हॉरिजेंटल डिस्टरबेंस लिखिए, इन मैग्नेटिक नीडल अब मैग्नेटिक नीडल एक मेरिडियन बता रहा है, कौन सा मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना, उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक फील्ड। नॉन एज लोकल अट्रैक्शन ऑफ दैट स्टेशन, स्टेशन वाइज चेंज होता ही है, उस स्टेशन का लोकल अट्रैक्शन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल अपने पास हो सकता है, हाथ में कोई चाबी का छल्ला है, ब्रेसलेट है, इलेक्ट्रिक पोल है, रेलवे लाइन है, पास में कोई बाइक खड़ी है, बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, लोकल एरिया में अपने आसपास जितने भी हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। अब पहचानेंगे कैसे? हाँ, मोबाइल, अब इतना तो चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, हाँ थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, अब छोटी मोटी चीजें जैसे चाबी वगैरह है वो तो रखते हैं, बाहर कहीं भी नहीं रखेंगे, फिर फील्ड में रह जाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसी चीज भूल जाए, उसके बाद में घर में कोई घुसने ही नहीं दे। नेक्स्ट, यहां पर अपने पास लोकल अट्रैक्शन तो समझ में आ गया, लोकल अट्रैक्शन समझ में आ गया, अब पता कैसे करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन आ रहा है? पता करने के लिए यहां पर एक सिस्टम है, एक लाइन की फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस देखेंगे। एक लाइन की फोर बीरिंग अपने पास थीटा वन है, एक लाइन की बैक बीरिंग है वो अपने पास थीटा टू है। तो थीटा वन क्या है? फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, थीटा टू है बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। अगर इनका डिफरेंस 180 डिग्री आ जाता है तो हमें मानना होगा कि लोकल अट्रैक्शन है ही नहीं है, न तो ए स्टेशन पर और न ही बी स्टेशन पर, ठीक है ना। लोकल अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन उसको कम किया जा सकता है या उसको थोड़ा सा रह जाए, उसको अपने सॉल्यूशन से कैलकुलेट करके सही हटा सकते हैं अपने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोकल अट्रैक्शन न हो, होगा लेकिन उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें एक लाइन लिखूंगा मैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग, अगर थीटा वन और थीटा टू का डिफरेंस आपके पास 180 आ जाए, 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आ जाए, तो आप कहोगे ए और बी पर लोकल अट्रैक्शन है ही नहीं। इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एग्जैक्ट 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, देन बोथ स्टेशन ऑफ लाइन, बोथ स्टेशन ऑफ लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ये अपना क्या है? रूल
मान के चलते हैं। अरे स्लो ही चल रहे हैं और कुछ तो और भी बफर हो रहा है। ऐसी सिचुएशन भाई कंपास यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लोकल अट्रैक्शन तो आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लोकल अट्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तीसरी बात यह है, इसको भी अपने डिटेल से समझेंगे। तीसरी बात यह है कि लोकल अट्रैक्शन कभी भी इंटीरियर, एक्सटीरियर और डिफ्लेक्शन एंगल को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल सारे अनअफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। दोबारा से बताऊंगा। साइड हो जाएंगे पहले, लो जी साइड हट गए। हाँ नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? हाँ 180 डिफरेंट एक में भी नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन में। जी नेक्स्ट। अब मैंने जो स्टेटमेंट अभी लिखा है कि 180 डिग्री अंतर आ जाए तो उस लाइन, अगर ए बी लाइन है तो उस ए बी लाइन के ए और बी स्टेशन दोनों को बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लेकिन इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है कि यहां पर भी लोकल अट्रैक्शन मिले, तो डिटेल से देखते हैं थोड़ा सा। अब डिटेल में मैं थर्ड में जा रहा हूं। थर्ड में एक डिफरेंट वर्ड लिखूंगा मैं। डिफरेंट का मतलब आप समझना, द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन। तो कंडीशन ये कह रही है कि केस फर्स्ट, अगर डिफरेंस 180 आ जाए, चलो नहीं आए तब क्या करें, तब क्या हो सकता है। केस सेकंड, अगर ये डिफरेंस 180 आ जाए तब इसके क्या क्या और मतलब हो सकते हैं। देखो स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो यहां पर नोट स्टार्ट करना है पहले। फर्स्ट कंडीशन ऐसी है, अगर 180 अंतर नहीं आए तो आप ये बोलोगे कि या तो ए बी में से दोनों ही स्टेशन ए और बी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, और दूसरा ऐसा कहोगे हो सकता है इन दोनों में से एक ही लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई क्या? 180 डिफरेंस नहीं आने का मतलब बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फर्स्ट कंडीशन हो सकती है। सेकंड कंडीशन हो सकती है, मे बी सिंगल स्टेशन अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लिखें, बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है? सेकंड में चलते हैं जी। सेकंड है, सिंगल स्टेशन अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। मे बी ए और बी एक में हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन सबको क्लियर है, सेकंड पे चलें क्या? बिल्कुल, सेकंड स्टेशन, इसमें थोड़ा गड़बड़ मिलेगा, देखते हैं कैसे होगा। क्या कि 180 डिफरेंस आ गया तो अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को याद करते हैं, इससे पहले वाला, इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। Both स्टेशन आर फ्री फ्रॉम
लोकल अट्रैक्शन, ये तो आपने अभी जस्ट जाना है, लेकिन सेकंड कंडीशन है उसको जानना जरूरी है। बिल्कुल सही, इक्वली अफेक्टेड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर आपने कहा इस ए बी लाइन, इसकी बियरिंग आपके पास 100 डिग्री है और इस लाइन की बैक बियरिंग है बी ए जो आपके 280 डिग्री है, मान लीजिए, और किसी कारण से यहां पर प्लस 2 डिग्री लोकल अट्रैक्शन आ रहा है और यहां पर भी प्लस 2 डिग्री लोकल अट्रैक्शन आ रहा है, तो किसी कारण से ये 282 हो जाएगा, रीडिंग 280 की बजाय कंपास हमें 282 बता रहा है और इसमें वो 102 रीडिंग बता रहा है। हमने चेक किया 282 माइनस 102, यहां पर अपने पास 180 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों स्टेशन पर इक्वल लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट है, तो 180 अंतर ही आएगा। ठीक है, अब इसमें पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने के लिए एक तीसरा करेक्ट स्टेशन होना जरूरी है, इसकी ये कंडीशन है। अगर दोनों दो ही स्टेशन है, एक ही लाइन है, तो इक्वली अफेक्टेड प्रूव कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए थर्ड करेक्ट स्टेशन चाहिए। अगर थर्ड करेक्ट स्टेशन नहीं हो तो हम इसको मानेंगे तुम भी बाइज्जत बरी हो गए, तुम भी बाइज्जत बरी हो गए। आ गया समझ में, क्लियर है क्या? बिल्कुल, तो मैं कहूंगा बोथ स्टेशन आर इक्वली अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। इस डायग्राम को नीचे लिख सकते हैं हम, आगे चलें, क्लियर है? सर थोड़ा स्लो चलिए, थोड़ा और भी स्लो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ चल तो नहीं रहा, मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं। नेक्स्ट चलें, अब एक लाइन लिखा रहा हूं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड डिफ्लेक्शन एंगल एट स्टेशन आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। इसका यहां पर एग्जाम्पल करवाता हूं, इसका एग्जाम्पल करें, नोट कर लिया? इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे करवाता हूं, ठीक है ना, नोट कर लेना। ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना जी, ये गड़बड़ हो रखा है। देखो मैंने कहा कि यहां पर ए स्टेशन है, यहां पे चलो ए बी का मान लेते हैं बी पॉइंट, और इस बी पॉइंट पर अपने पास 2 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन आ रहा है जो रीडिंग को 2 डिग्री ज्यादा कर रहा है, तो एक तो ये वाली रीडिंग है, इस वाली रीडिंग जैसे 100 आना था और आ रहा है 102, दूसरा ये वाली रीडिंग है, ये अपने को 200 डिग्री आना था और आ रहा है 202। अब आप मुझे ये बताएं
कि 202 माइनस 102 ऐसा कहो या 200 और 100 ऐसा कहो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास 100 डिग्री अल्फा आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या करेक्ट करो या करेक्ट नहीं करो? ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। तो लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट भी कर लिया और हमने लोकल अट्रैक्शन को इनकरेक्ट रीडिंग से भी चेक कर लिया। अल्फा में कोई भी फेरबदल नहीं आया, कोई भी। अगर अल्फा दोनों तरफ से अल्फा सही है तो अल्फा से रिलेट करेगा बीटा, तो बीटा भी क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा। इसी के साथ अल्फा बीटा के साथ डेल आएगा, तो डेल है वो भी नो चेंज रहेगा। तो आप ये बताएं कि तीनों में से कौन सा एंगल है जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हो सकता है? अल्फा बीटा एंड डेल तीनों ही लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट नहीं है। क्या ये चीज प्रूव हो गई, समझ में आ गया? बिल्कुल। नो वन एंगल अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम लोकल अट्रैक्शन कितना ही हो। अब नोट कर लो जी, थोड़ा थोड़ा बफर हो रहा है भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा बफर हो रहा है, एक मिनट। बफर बहुत हो रहा है भाई आज। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कर दिया सर, लिख के नहीं पा रहे। लिख लो भाई, लिख लो। अरे लिख लो भैया, लिख लो। बिल्कुल देख लेंगे डाउट। फोर स्लाइड, अरे 4 नंबर स्लाइड है ये। डिफरेंस वाला ऐड कर दो एक बार। अच्छा बता दो, कह रहा है क्या? बता देंगे भाई, बता देंगे। दोबारा से देखो, चार कंडीशन है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। कंडीशन ये कह रही है अपनी, अगर देखो, मैं आवाज पे ध्यान रखना, ये आपको नोट करने के लिए इधर स्पेस खाली छोड़ रखा है। अगर आपके 180 का डिफरेंस नहीं आता है तो इसका कारण, AB लाइन के लिए अगर कह रहे हैं तो इसका कारण कहेंगे A और B दोनों पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है, या A और B में से किसी एक पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। तो आपके फर्स्ट कंडीशन हुई, ये फर्स्ट कंडीशन ये हुई।
अगर इस क्या बोल रहे हैं, अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर सी पॉइंट अफेक्टेड है, ए पॉइंट अफेक्टेड है, उसका बी पॉइंट के एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, ठीक है ना, बी पॉइंट पर के एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके लिए यहां पर नेक्स्ट लाइन के साथ कंपेयर करके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बड़ा न्यूमेरिकल कराएंगे। नेक्स्ट आगे की तरफ चलें, बिल्कुल। तो लोकल अट्रैक्शन में आपने ये जाना कि लोकल अट्रैक्शन क्या है, एक लोकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस के कारण होता है। इसके कारण अपने पास दो शर्तें हो सकती है, 180 डिफरेंस नहीं आए तो उस लाइन के दोनों स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन कह सकते हैं, या हो भी सकता है कि उनमें से किसी एक स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन हो। दूसरी बात जानी हमने, 180 डिफरेंस आ जाता है तो हो सकता है पहली कंडीशन दोनों स्टेशन फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, या फिर थर्ड पॉइंट आके हमें बता दे कि मैं करेक्ट हूं, अब इन दोनों को चेक करो। तो 180 डिफरेंस आने के बाद में भी दोनों स्टेशन पर इक्वली लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। और तीसरी बात इसमें हमने ये लिखी कि लोकल अट्रैक्शन उस स्टेशन पर होगा, एक स्टेशन पर, और एक स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है और उसी स्टेशन पर तीनों एंगल है, डिफ्लेक्शन, इंटीरियर, एक्सटीरियर। तो लोकल अट्रैक्शन से इन तीनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आ गया समझ में? आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, आगे अपने क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन के दो टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप और कन्विंसिल टाइप। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं फिर कन्विंसिल देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, देखते हैं कोई बुक में मिल जाए आपके। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, यही क्वेश्चन उठा लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन है इसमें, और फिर करेक्ट भी करवा देंगे आपको कि लोकल अट्रैक्शन के कारण करेक्शन। लिखो भाई, आपको दे रखी है एक लाइन, ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं सबसे पहले, ठीक है ना, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। एबी लाइन में कुछ ऐसे रीडिंग दे रखी है आपको, 48 डिग्री 25 मिनट, फिर इसके बाद में आपको दे रखा है 230 डिग्री। बी सी लाइन के लिए यहां पर कुछ गिवन है, 177 डिग्री 45 मिनट, यहां पर 356 डिग्री 30 मिनट। लिखते रहना जी, ठीक है ना, 0 मिनट। यहां पर आपको दे रखा है 104 डिग्री 15 मिनट, ठीक है ना, यहां पर 284 डिग्री 55 मिनट। डी ई दे रखा है आपको 165 डिग्री 15 मिनट, और ये दे रखा है 345 डिग्री 15 मिनट। ई ए दे रखा है आपको 259 डिग्री 30 मिनट, और ये दे रखा है 79 डिग्री। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कोई डेटा, 48 25 177 45 14, ये 4 है जी, ठीक है, पहले ठीक था यार। ठीक
ठीक है भाई, ठीक है, 230 डिग्री 0 मिनट। हल्का सा क्वेश्चन उठाना, अरे भाई हल्का भारी जो भी है। तो मैंने यहां से कोई बुक में से क्वेश्चन उठा लिया, इसको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तरीके से चेक करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री स्टेशन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्री स्टेशन। दूसरा हो सकता है कि लोकल अट्रैक्शन से सस्पेक्टेड कौन से हो सकते हैं। अब सस्पेक्टेड का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर लोकल अट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। इनिशियल तरीके से चेक किया जाए तो इसमें हो सकता है लोकल अट्रैक्शन ये कहा जाएगा। अब जैसे मान लो कोई गड़बड़ हो जाती है, दंगा वंगा हो जाता है, तो पुलिस उठा लेती है ना सस्पेक्ट को, और अगर फिर उनमें जांच करते हैं तो हो सकता है कि उनका दोष नहीं हो, बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे यहां पर सस्पेक्ट ढूंढेंगे और नॉट अफेक्टेड ढूंढेंगे। तो दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर एक, फाइंड द स्टेशन विच आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम, यहां पर मैं सोल्व करवा दूंगा, फाइंड दैट स्टेशन नॉट अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, या फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन कुछ भी बोल सकता हूं। ये मैंने यहां पे लिख दिया, स्टेशन सस्पेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अब एक चीज देखो यहां पर आराम से, आपको 180 का डिफरेंस चेक करना है। 180 का डिफरेंस आ जाए तो आपको यहां पर क्या कहोगे कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इनिशियल तौर पर ये मानोगे, इसको मैंने स्पेशली आपको लिखवाया है इनिशियल तौर पर। तो यहां पर मैंने कह दिया कि इसमें चेक करो आप, फर्स्ट में चेक किया तो लोकल आपके पास 180 का डिफरेंस नहीं आया। यहां पर चेक किया आपने तो 180 का डिफरेंस नहीं आया, इधर आपने चेक किया तो 180 का डिफरेंस नहीं आया, और यहां पर आपने चेक किया तो 180 का डिफरेंस नहीं आया। अब ऐसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल। क्या डी और ई में 180 का डिफरेंस आ रहा है? डी और ई में 180 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से आ रहा है। तो मैंने कहा यहां पर 180 का डिफरेंस आ रहा है, तो जहां पर डिफरेंस 180 आ जाए उस लाइन के दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगे। कौन कौन से? पहला तो आपके स्टेशन डी है वो फ्री होगा लोकल अट्रैक्शन से, और दूसरा स्टेशन ई है वो आपके लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर है डी एंड ई। अब बात करें जो बच गया ना वो सस्पेक्ट है, अपने पास सस्पेक्टेड स्टेशन है, प्रूव नहीं हुआ, बस केवल कहेंगे सस्पेक्ट है कि इसके अलावा हो सकता है लोकल अट्रैक्शन, ये यहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे डी और ई के अलावा कौन बच गया, ए बी एंड सी, इन पे लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। अब ये चीज समझ में आ गई, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसको मैं कन्वेंशियल तौर पर लेके चलता हूं, जल्दी से बताओ समझ में आ गया क्या? वन एट्टी का डिफरेंस आ गया, 180 का डिफरेंस आ गया, तो इसके डी और ई है दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, बाकी सस्पेक्टेड है इनके अलावा ए बी एंड सी। छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लिया, आगे चलूंगा मैं, फिर नोट कर लिया तो
हाँ जी आगे चल रहा हूं, नोट करने वाले नोट कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन के तौर पर हम क्या करेंगे, यहां पर 180 का डिफरेंस नहीं है, चेक करते जाएंगे और जहां पर भी 180 का डिफरेंस देखो, यहां पर पहले तो स्टेशन से रिलेटेड देखेंगे, स्टेशन छांट लेंगे और उनसे रीडिंग को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे मैंने कहा स्टेशन मैंने लिख दिया इस तरीके से, कितने हैं स्टेशन ए बी सी डी जो भी है, यहां पर मैं केवल बियरिंग लिखूंगा और मैं फोर बियरिंग बैक बियरिंग जो लिखना वो हटा दूंगा, केवल बियरिंग लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा कि करेक्शन कितना हो रहा है और यहां पे लिखूंगा करेक्टेड स्टेशन, करेक्टेड बियरिंग वो लिखूंगा मैं, और कुछ रिमार्क रह जाता है तो रिमार्क यहां पे लिख दूंगा। अब आप यहां पर एक टेबल बनाएंगे और टेबल फॉर्म में इसको सोल्व करवा देता हूं आपको। सबसे पहले लाइन मैंने ए बी उठाया और यहां पर एक लाइन छोड़ दिया, एक बार एक लाइन, ठीक है ना, बताऊंगा क्यों। अब उस ए बी को मैंने बी ए बना के लिख दिया, ऐसे लिख दिया बी ए, फिर बी सी उठाया, फिर इसको लिख दिया सी बी, फिर सी डी उठाया, इसको लिख दिया डी सी, फिर डी ई उठाया, इसको लिख दिया ई डी, और फिर ई ए उठाया, इसको लिख दिया ए ई। अब इसको लिखने का एक तरीका है, ये क्यों लिखा गया है, रीडिंग भी लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं किस तरीके से। पहले वाला क्वेश्चन क्या है, अब इसको लिखने का जो तरीका है वो 45 डिग्री 48 डिग्री 25 मिनट। अब बी ए को यहां पे लिख देंगे 230 डिग्री 0 मिनट। अब ये चीज समझ में आएगा कैसे लिखा मैंने, इसमें प्रूव कर रहे हैं कि लोकल अट्रैक्शन है तो कितना है, कहां कहां पर है, वो तो केवल अपने पास अंदाजा था ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का। ये समझ में आ गया, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग लिख दिया मैंने। ऐसे ही पूरी लिस्ट आप बना दो जो अभी आपने लिखा है, 177 डिग्री 30 मिनट, 104 15 सॉरी 356 डिग्री 0 मिनट, सीडी है अपने पास 104 15, फिर इसके बाद में है 284 15 55, फिर इसके बाद में है 165 15, फिर है 384 15 345 15, फिर इसके बाद में है 259 30, और फिर है 79। अब ये चीज मैंने किस तरीके से लिखी है वो आपके क्लियर हो गया होगा शायद। अब अपने सवाल स्टार्ट करते हैं। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका कारण ये है, इसका कारण यह है कि बी स्टेशन से जो दो रीडिंग ली है उसका स्टेशन आ जाएगा। जैसे ये तो हो गई लाइन और यहां पर उसका स्टेशन आ जाएगा कि स्टेशन यहां पर बी है, पता लग गया। इसी तरीके से यहां पर ये दोनों रीडिंग सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये सी स्टेशन की रीडिंग है, ऐसे ही यहां पर ये डी स्टेशन की रीडिंग है और ये क्या है, ई स्टेशन की रीडिंग है। अब बाकी ए ई है और ए बी बच गया तो उसको मैं क्या करता हूं, इसको जस्ट ऊपर की तरफ रख देता हूं 70 45, एक मिनट देख लेता हूं भाई आपकी जो डेटा क्या है, 170 45 है जी, 170 45, हाँ सही बोल रहे हो आप, 170 45, और सब चेक कर लिए, हाँ 40 25 230 45 354 415 185 165 345
एक काम करता हूं, इस डेटा को यहां से उठा के मैं यहां पे रख देता हूं। अब ये मैंने क्यों रखा यहां पर, ये बात समझ में आई क्या? ये क्यों रखा मैंने यहां पर? क्योंकि यहां पर अपने पास ये दोनों ही ए स्टेशन की रीडिंग पास में आ जाए, इसलिए मैंने रखा यहां पर पास में। ठीक है, स्टेशन के लिए बिल्कुल। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, तो ए स्टेशन के लिए दोनों रीडिंग, बी स्टेशन के लिए दोनों रीडिंग, सी डी और ई के लिए। अब इनका मैंने ग्रुप बना दिया। हाँ, आप ले जाएं जैसे भी ले जाएं। नेक्स्ट, अब ग्रुप बना दिया। तो अब सबसे पहला इसके अंदर रूल है, ऑब्जेक्टिव वाला रूल। सबसे पहले आप इसमें यह कहो कि 180 को जो डिफरेंस दे रहा है वो कौन कौन से स्टेशन फ्री बता रहा है। एक डी और ई, तो डी स्टेशन है वो फ्री होगा लोकल अट्रैक्शन से, इसका मतलब इसमें करेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है ना, तो डी स्टेशन से दो रीडिंग ली गई है, तो दोनों रीडिंग हम सही मानेंगे। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही ई स्टेशन से लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो ई से दोनों रीडिंग है वो सही आएगी। ये सवाल को स्टार्ट करने का तरीका था। ये बात समझ में आ गई क्या? अब एक रूल रह गया बस। नहीं आई? आ गई? बिल्कुल, इसको नहीं आई बोल देना, क्योंकि सवाल को स्टार्ट करने का तरीका ही है। देखो, अपना जस्ट ऑब्जेक्टिव किया था ये। ऑब्जेक्टिव में तो केवल हमने सीधा सा यही देखना था, 180 डिफरेंस आ गया, फ्री हो गए लोकल अट्रैक्शन से। उसी से स्टार्ट करना है यहां पर भी, कि कौन कौन से स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इस सवाल में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा डी एंड ई। जस्ट अभी किया है, डी एंड ई लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, इसका मतलब यहां की रीडिंग है डी और ई स्टेशन की रीडिंग करेक्ट आएगी। डी और ई स्टेशन की रीडिंग करेक्ट आएगी, तो डी से दो रीडिंग है, डी से सी की तरफ और डी से ई की तरफ, दोनों रीडिंग में कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे 284 डिग्री 55 मिनट और इसमें भी 165 डिग्री 15 मिनट। इसका कारण है, हम यहां पे रख देंगे डी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ऐसे ही ई स्टेशन भी लोकल अट्रैक्शन से फ्री था, इसलिए उसमें कोई करेक्शन नहीं करना, एज इट इज लिखेंगे 345 डिग्री 15 मिनट और 259 डिग्री 30 मिनट, कोई करेक्शन नहीं, क्योंकि ई भी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। बताओ मुझे, ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो करेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? क्लियर हो गया क्या? कोई करेक्शन नहीं करेंगे। अब ये क्लियर हो चुका है, नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पूछ लेना। अब मैं स्टेप फर्स्ट बताऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप खुद ही करना है। यहां तक क्लियर है? अब फर्स्ट स्टेप देख लो, बाकी आपको करना है। फर्स्ट स्टेप ये देखो, अब मैं एक काम करूंगा, मैं इस डीसी और सीडी में कंपेयर करता हूं। डीसी और सीडी, तो देखो मैंने एक लिखा है डीसी और सीडी, क्या है ये दोनों? डीसी और सीडी एक दूसरे के फोर बियरिंग बैक बियरिंग हैं। क्या आप बता सकते हो डीसी और सीडी में सही कौन है? सही कौन है? आपने बताया डीसी और सीडी में डीसी सही है, जिसमें कोई करेक्शन नहीं है। तो सही से पूछेंगे, डीसी से पूछेंगे कि सीडी क्या होना चाहिए। उसने बताया कि सीडी है ना 180 डिफरेंस होना चाहिए, सीडी ने यह बताया। तो यहां पर डीसी आपको दे रखा है, डीसी का सीडी बना लेते हैं। तो सीडी डीसी बनाने के लिए 284 डिग्री 55 मिनट का डीसी बनाने के लिए क्या करेंगे?
180 डिग्री कम कर देंगे, ठीक है ना। डीसी बनाने के लिए, डीसी का सीडी बनाने के लिए फोर बीरिंग का बैक बीरिंग बनाने वाला रूल है, 180 माइनस कर दिया। अब बताओ कितना आया, कैलकुलेट करो भाई। अरे समझ में आ गया क्या, यही स्टेप है। एक सौ चार डिग्री पचपन मिनट आ गया, सही है। अब ये करेक्टेड रीडिंग कैलकुलेट कर दी, अब आप दिस माइनस दिस करोगे, करेक्ट वैल्यू और मिजर्ड वैल्यू। अब दो फॉर्मूले बताए थे, मिजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या होता है, एरर। और अगर मैं ट्रू वैल्यू माइनस मिजर्ड वैल्यू कर दूं क्या होगा, ये चीज समझ में आई क्या, बता रखा है आपको, बिल्कुल बता रखा है। तो मैं एक काम करूंगा, करेक्ट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मिजर्ड वैल्यू कर दूंगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का कितना, कितना, 0 डिग्री 40 मिनट प्लस का आंसर आएगा, जो कि करेक्शन होगा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपके, मिजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करेक्शन कर देंगे। तो ये जो करेक्शन है उसके बेसिस पे हम चलेंगे। बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, सी स्टेशन पर करेक्शन बराबर, सेम स्टेशन पर करेक्शन बराबर रखते हैं, उसी से कितनी भी लाइन खींचो सभी में बराबर लोकल अट्रैक्शन आएगा, तो करेक्शन सेम रहेगा। तो सेम करेक्शन के लिए यहां पर सेम ही एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो ये अपने पास ये हो गया 2 356 डिग्री 40 मिनट, ये हो गया यहां पर। अब इसका करेक्ट आ गया, एक क्वेश्चन तो कर लो, कोर्स बहुत आगे की चीज है, जितना पढ़ रहे हो उतना क्लियर हो रहा है क्या। अब एक स्टेप तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, अब दूसरा स्टेप आप खुद करो, खुद करेंगे दूसरा स्टेप, स्टार्ट करो दूसरा स्टेप खुद करना। कहां पर, 356 डिग्री 40 मिनट कैसे आ गया, सेम स्टेशन पर करेक्शन सेम रहेगा, चाहे वहां पर दो लाइन हो या 100 लाइन हो। अगर किसी पी स्टेशन पर करेक्शन आपने प्लस 2 डिग्री लोकल अट्रैक्शन का माइनस 2 डिग्री किया है, तो उस पी स्टेशन से पी ए पी बी पी सी पी डी पी जेड कितनी भी लाइन उस स्टेशन से हो, उस स्टेशन का आपने करेक्शन सभी लाइनों में सेम करेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसी को आगे की तरफ लेके चलते हैं, नेक्स्ट अपना कंपैरिजन हो रहा है बीसी और सीबी में, जिसमें से सीबी ठीक है तो बीसी की अपने करेक्ट बियरिंग यहां से बनाएंगे। 356 डिग्री 40 मिनट माइनस हम क्या कर देंगे, 180, तो यहां पर कितना आ गया, 356 करता हूं डिग्री 40 मिनट माइनस 180, ये आ गया आपके पास 176 डिग्री 40 मिनट। यहां से मेरे को सीबी से बीसी बनाना, ये क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल। और दिस माइनस दिस करेंगे तो अपने पास ट्रू वैल्यू माइनस मिजर्ड वैल्यू से क्या आएगा, करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर करेक्शन की वैल्यू कर देते हैं माइनस 177 डिग्री 45 मिनट, ये आया अपने पास 1 डिग्री 5 मिनट पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव, दिस माइनस दिस पॉजिटिव आया, नेगेटिव, नेगेटिव, बिल्कुल। अब इस चीज को दोबारा से देखो, यहां पर मैंने कहा बी स्टेशन का करेक्शन है तो बी स्टेशन से दूसरी लाइन में भी करेक्शन सेम रखा जाएगा, ध्यान रखना, उस लाइन में सेम करेक्शन रखा जाएगा,
तो कितना हो गया, ये हो गया 231 डिग्री 5 मिनट। 55 कैसे हो गया अभी, अच्छा माइनस किया, सॉरी माइनस किया तो अपने पास हो गया 229 डिग्री 55 मिनट। बिल्कुल माइनस था ये, एक डिग्री माइनस। हाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ अपने चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ अपने यहां पर बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो हमारे पास एक रूल, सीधा सा रूल है, 228 डिग्री 55 मिनट को हम करेंगे माइनस 180, जिससे कि हमें बीए का एबी मिल जाएगा, बीए का एबी मिल जाएगा 228 डिग्री 55 मिनट माइनस 180। हमारे पास 48 डिग्री 55 मिनट आ गया, ठीक है, बिल्कुल। तो अपने पास क्या हुआ, करेक्शन कितना हो गया, दिस माइनस दिस, करेक्शन हमारे पास हो गया 48 डिग्री 25 मिनट माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया प्लस का 0 डिग्री 30 मिनट, प्लस का 0 डिग्री 30 मिनट आ गया। तो उसी को ही हम ए पर करेंगे रिपीट, 0 डिग्री 30 मिनट ए पर ही रिपीट किया, तो हम उस करेक्शन को क्या बोलें कि भाई करेक्शन कर दिया, प्लस करना है 79 डिग्री 30 मिनट प्लस कर दिया, आंसर अपने पास आ चुका है। अब इसको चेक करना है, चेक कैसे करें, चेक करने के लिए अपने पास ए ई का जस्ट अपोजिट ई ए है, उसको बना के देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाया शायद, तो मैंने क्वेश्चन ही बनाया है। चेक करेंगे तो चेक करने के लिए अपने पास एक ए ई ए है, तो ई ए को हमने पहले से पता है कि 359.30 है। इस ई ए को चेक करने के लिए इसमें हम ई ए बना के देखते हैं, 79 डिग्री 30 मिनट प्लस 180, इसको फोर बीरिंग का बैक बीरिंग बनाते हैं, ए ई का ई ए बनाते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, 259.30 आ गया, 259.30 आ गया। तो हम कहेंगे ओके है, अब इसको मैं अरे माइंड थ्योरी क्या लेके चल रहे हो आप लोग, मेंस प्री मेंस क्या लेके चल रहे हो, इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूं, अभी करवाता हूं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये ओके हो गया इस तरीके से, नोट करना है नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, ऑब्जेक्टिव भी आता है इसका, अभी करवाता हूं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे भी चेक कर सकते हैं, ईए से भी चेक कर सकते हैं, एई से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, ईए फ्री, तो व्हाट अबाउट एई, तो एई ऑफ ए का ए स्टेशन अफेक्टेड है, तो इसमें रिजल्ट ये लिखेंगे लास्ट में कि सी पर लोकल अट्रैक्शन इतना, बी पर इतना और ए पर इतना। हमारे पास सस्पेक्ट थे ये ए बी सी, प्रूव हो गया कि ये जो सस्पेक्टेड है
ए बी सी स्टेशन, यही हमारे पास लोकल अट्रैक्शन इन पे मिल गया हमें, तो ये सस्पेक्ट जो है इन पर अपने जो मुकदमा चलाया था इसमें प्रूव कर दिया कि इन इन पे लोकल अट्रैक्शन है, इतना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर रिच वाला स्टेशन फ्री हो, कहां पर भी हो सकता है, रिच वाला स्टेशन भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हो जाएगा, किस टाइप से भी हो, क्वेश्चन लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब आता है अपने लोकल अट्रैक्शन के अलावा पर्सनल मिस्टेक का, तो पर्सनल मिस्टेक का मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, जिनको ये लग रहा है कि प्री मेंस वाला जो है वो बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सोल्व कर लें, और अगर कोई फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है तो वो उसके लिए कोई जरूरी नहीं इतना। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं, दूसरा यही क्वेश्चन है जो आपको करवाया। डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, लाइन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, ये क्वेश्चन आपको अभी करवाया मैंने, ए बी 195 30 70 डिग्री, बी सी 73 30 250 30। यहां पर मैंने कराया 36 डिग्री 15 मिनट 214 30, यहां पे मैंने कराया आपको 45 84 45 234 15 57 सी डी डी ई ए। फाइंड द, कैलकुलेट द करेक्टेड बियरिंग ऑफ लाइन, अब ये जो क्वेश्चन आपने किया है, पहले भी किया है ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने लोकल अट्रैक्शन कराया इसमें, अब आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से अगर करना चाहें कि लोकल अट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं कि कहां पर कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, पहले ये बताओ मुझे कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, जल्दी से बताओ। कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, बी एंड सी? बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन करके देखना, बी एंड सी पर कितना है, नहीं है 180 अंतर, इसका 180 अंतर नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, कोई नहीं है यहां पर, इसलिए इस क्वेश्चन की कैटेगरी दूसरी है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं पर्सनल मिस्टेक का क्वेश्चन है, तो इसको टैग देंगे, ये क्वेश्चन है टैग वाला एक तरीके से, ये है आपके पास पर्सनल मिस्टेक। कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यही है कि कहीं पर भी आपको 180 का डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है पर्सनल मिस्टेक का क्वेश्चन, तो कोई से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, 0 डिग्री डिफरेंस नहीं आया तो, मतलब 0 डिग्री करेक्शन नहीं आया तो आपके स्टार्टिंग ही नहीं होगी सवाल की, तो इसको स्टेप दो स्टेप में किया जाता है, पहला तो हम स्टेप फर्स्ट करेंगे, हिंट देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर, अगर
इंटीरियर की कैलकुलेशन आपने कर ली है, तो ये इंटीरियर की कैलकुलेशन आप लास्ट तक करोगे। हो सकता है कि ये 540 हो जाए, हो सकता है नहीं हो, पर्सनल मिस्टेक होता है इसका, नहीं हो तो करेक्शन करेंगे। दूसरा स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम एरर इन डिफरेंस बिटवीन फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग ऑफ ए लाइन। किसी एक लाइन में हमें मिलेगा कि 180 के नियर बाय डिफरेंस आ रहा है, तो वो एरर है, तो उस एरर को मिनिमम एरर बोलेंगे और उस मिनिमम एरर को एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। तो ये दो स्टेप है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन, कल के लिए रख दूं, आपके होमवर्क के लिए रख दूं, आप ट्राई कर सकते हो। इसमें जो फर्स्ट टाइम है वो ट्राई ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी साइड हट गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करें आप। आपको कोई तीन लाइनें दे रखी है, ए बी लाइन दे रखी है, बी सी लाइन दे रखी है और सी ए तीन लाइनें दे रखी है। इसमें बैक बीरिंग दे रख, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग दे रखे हैं आपको, फोर बीरिंग ए बी की, बी सी की, और बैक बीरिंग दे रखा है। जैसे यहां पर आपको दे दिया 30 डिग्री और यहां पर दे दिया आपके 211 डिग्री, यहां पर आपको दे दिया 101 डिग्री, यहां पर आपको दे दिया 220 डिग्री 40 30 मिनट, और यहां पर आपको दे दिया 40 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द बैक बियरिंग ऑफ बी सी लाइन। ऑब्जेक्टिव है जी ये, व्हेन स्टेशन ए इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव का, और आपको यहां पर आंसर करना है। जल्दी से आंसर करें, आ जाएगा आंसर। अरे ये फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का रूल है, ये जो मैंने सवाल अभी बड़ा सवाल कराया था उसी में से सवाल है ये। तो आंसर शायद आपके पास आ चुका है। अगर स्टेशन ए लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तो अपनी ए बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए बी क्या होगा, करेक्ट होगा। कारण क्या है इसका, कारण है कि ए स्टेशन की रीडिंग आपने, ये खुद कह रहा है कि ए स्टेशन जो है वो करेक्ट है, तो अपने बी ए कैलकुलेट कर लेंगे, बी ए कैलकुलेट कर लेंगे, तो बी ए कितना होना चाहिए, बी ए शुड बी 30 डिग्री और ये प्लस 180 डिग्री, 210 होना चाहिए। बट मीजर्ड वैल्यू ऑफ बी ए मीजर्ड वैल्यू ऑफ बी ए आपको दे रखी है 211 डिग्री, इसका मतलब
करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन एट स्टेशन बी, स्टेशन बी पे करेक्शन आ जाएगा, तो ट्रू वैल्यू माइनस मिजर्ड वैल्यू करेक्शन आ गया, माइनस का एक डिग्री। अब आप बी सी बनाओ, बी सी कितना आ गया 101 माइनस एक डिग्री 100 डिग्री, तो सी बी कितना आ जाएगा 100 प्लस 180 डिग्री 280 डिग्री। अगर इसको टेबल बना के सोल्व करना चाह रहे हो तो टेबल बना लो, इसको यहीं पर सोल्व करना, ये ठीक है। ऐसे मैं बता रहा हूं, दोबारा से देख लो, ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 30 प्लस 180, ये आपके 211 210 हो जाएगा। तो 210 आना चाहिए, आ रहा है कितना 211, तो सही 210, मतलब एक कम करे तब सही है। तो यहां से आप एक कम कर देंगे क्योंकि ये बी ए है और ये आपके बी सी, तो ये हो जाएगा आपके 100 और 100 से इधर वाला प्लस 180 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ये आएगा नहीं, आया हुआ है। समझ कैसे आएगा, पुराने अभी वाले क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया आपने, दोबारा से देख लो, समझ में कैसे आएगा, जस्ट अभी क्वेश्चन करवाया, बड़ा क्वेश्चन उस पे ध्यान नहीं दोगे तो कैसे आएगा समझ में, दोबारा देखो। ए बी बी ए, बी सी सी बी, वही क्रम में चलो आप, तो ये आपके बी स्टेशन के लिए चेक कर रहे हैं, यहां पर आपके 30 डिग्री हैं, यहां पर आपके 211 डिग्री हैं, यहां पर 101 डिग्री है, और ये डेटा आपने को चाहिए, आप इसको सेट करोगे, ये बियरिंग है, तो आप क्या करोगे, ये सही है तो इसमें कोई करेक्शन नहीं है, जीरो करेक्शन, आप चलोगे यहां पर प्लस 180, वही टेबल चल रहा है पूरा पूरा, यहां पर प्लस 180 कर दिया तो अपने पास आ गया 210, दिस माइनस दिस करेक्शन आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेक्शन आ जाएगा कितना, दिस 210 माइनस 11 माइनस का एक डिग्री, और बी स्टेशन का करेक्शन है तो यहां पर भी माइनस का एक डिग्री है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलें, इस 100 से हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो प्लस 180, अपना जो आंसर है वो आंसर आ गया है 280 डिग्री। अब बताओ समझ में नहीं आया तो, अब समझ में आ गया क्या, या और तरीके से बताऊं, क्लियर है क्या? हाँ, तो सारे क्वेश्चन को सीरियस, इसको नहीं आया, सारे सीरियस, सारे क्वेश्चन को सीरियस लेना जरूरी है। किसके समझ में नहीं आया फर्स्ट, अरे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन है ए स्टेशन, लो स्क्रीनशॉट लो, टेस्ट वेस्ट पढ़ तो लो पहले, टेस्ट वेस्ट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लो, फर्स्ट 3 2 1, नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसा सीबी, देखते हैं अभी, देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट हो गए सारे। एक परसेंट का नहीं, माइनस एक का नहीं, इसमें करेक्शन कैसे आएगा? सी बी सी स्टेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सी स्टेशन के लिए हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को जो आंसर जहां तक आ जाए वहीं तक करना है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो इधर से अगर डेटा देखें तो उधर से अपने रिवर्स में यहां पर करने पर हो सकता है आंसर डिफरेंस आए, क्योंकि मैंने एज्यूम करें डेटा, ठीक है ना। ऐसे ही स्लाइड सर, फोर के बाद में छह स्लाइड है भाई, फोर के बाद में कौन सा स्लाइड? लो भी स्लाइड फोर, स्लाइड फाइव, ये उस क्वेश्चन का पार्ट है। स्लाइड सिक्स, और स्लाइड सेवन, ठीक है। पढ़ना है क्वेश्चन को, लगाना, जो पहले भी तैयारी कर चुके हैं उस क्वेश्चन को लगाएंगे, और बाकी लोग टेंशन में नहीं आएंगे। हो गए स्क्रीनशॉट सारे? स्टेप टू इंटीरियर एंगल बेसिस पे काम करता है, डायग्राम बनाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट कल मिलते हैं, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का, ठीक है, धन्यवाद।